हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, आप देख रहे हैं मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है अभी एवरेडी से, दोस्तों अभी 93 पर अभी डिश सेट है, लेकिन दोस्तों मैंने पिछले वीडियो भी दिखाया था 93, 95 और 98 डिग्री और एक ही डिश में और एक ही एलेमे में मैंने किस तरह से रिसीव करते वो भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। 93 और 95 पर अभी सेट है, लेकिन दोस्तों 98 डिग्री का सिग्नल मेरे पास रिसीव नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों एक ही एलएमबी में और एक ही डिश में आपको कैसे सेट करें, वो भी दोस्तों तीन सेटेलाइट। लेकिन दोस्तों सिर्फ यहाँ मेरे पर 98 डिग्री का सिग्नल रिसीव नहीं होता है, सिर्फ 93 और 95 का सिर्फ रिसीव होता है इसका सिग्नल। और मैं इसकी दूसरी आपको जगह दिखा देता हूँ कि इस जगह पर दोस्तों आपको तीन सेटेलाइट रिसीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली डिश है दोस्तों 93, 95 पर भी डिश सेट है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों मेरे इस जगह पे दोस्तों मैंने तीन सेटेलाइट, मेरे पास इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता है 98 डिग्री का, सिर्फ दो ही सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव होता है। लेकिन दोस्तों इस जगह पे मैं सेट करता हूँ तो मुझे तीन सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव होता है इस जगह पर, लेकिन दोस्तों इस जगह पर मेरे 98 डिग्री का सिग्नल रिसीव नहीं होता है। यह आप डिश की पोजिशन देख सकते हो, ये 93 और 95 का सिर्फ इसका सिग्नल रिसीव होता है, सिर्फ दो ही सेटेलाइट का मेरे पास इसका सिग्नल रिसीव हो रहा है, 98 डिग्री का सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों वतन 2 का सिर्फ दोस्तों DD50 और DStv का सिग्नल मेरे पास इसका रिसीव हो रहा है। और इस जगह पे दोस्तों मैं सेट करता हूँ तो मुझे तीन सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव होता है, ये आप देख सकते हो इस जगह पर। लेकिन दोस्तों इस जगह पर इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता है, वो भी दोस्तों मैं आपको सेट करके भी दिखा देता हूँ। आज की वीडियो यही है, लेकिन दोस्तों आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि लोकेशन के सेंस होते हैं दोस्तों कितना डिफरेंट होता है, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे यहाँ दोस्तों इसका तीन सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव होता है, यहाँ मैं सेट करता हूँ तो, और इस जगह पे दोस्तों मेरे तीन सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव नहीं होता है 98 डिग्री का। लेकिन दोस्तों मेरे दो सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव होता है 93 और 95 का, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ सेट करके। ये आप डिश देख रहे हो दोस्तों, मैं इसी जगह पे सेट करता हूँ तो भी दोस्तों मुझे तीन सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव होता है 93, 95 और 98 डिग्री का। और ये वाले डिश है दोस्तों वीडियो को 88 डिग्री पर अभी डिश सेट है सामने वाले, और ये वाले डिश अभी मैंने सेट किया है तीन सेटेलाइट, और पिछला वीडियो भी मैंने दिखाया था ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, आप जाके देख सकते हो 93, 95 और 98 डिग्री कैसे सेट कर कैसे सेट करें एक ही डिश में और एक ही एल में मैंने रिसीव करके दिखाया था ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, आप जाके देख सकते हो कि कौन से टीपी पर आपको सबसे पहले यूज़ करना है, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको चैनल भी आपको मैं चला के दिखा देता हूँ, आप डिश की पोजिशन देख सकते हो। अब सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी LMB पोजीशन दिखा देता हूं सामने से, LMB पोजीशन सेम रहेगी, आप देख सकते हो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना है, सेम रहेगी जैसे DD50 में रहती है, इस तरह से आपको इसकी LMB पोजीशन रखना है 93, 95 और 98 डिग्री, तीन सेटेलाइट दोस्तों मेरे एक ही डिश में मैंने रिसीव करके भी दिखाया था। लेकिन दोस्तों आज भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेट करते, और ये सामने वाले डिश है दोस्तों यहाँ मैं सेट करता हूँ तो इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता है 98 डिग्री का। लेकिन दोस्तों इस जगह पे मैं सेट करता हूँ तो इसका सिग्नल रिसीव होता है, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये वाले डिश है दोस्तों तीनों सेटेलाइट पे भी मैंने सेट किया है, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों आप मार्किंग भी देख सकते हो, ये वाला मार्किंग मैंने किया है, ये आपको नज़र आ रहा है तो ये आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ मेरी डिश होती है बंगा बधू 119 डिग्री की सेट होता है, लेकिन दोस्तों मैं इस जगह पे सेट करता हूँ तभी दोस्तों मुझे मैंने मार्किंग किया था, ये आप देख सकते हो। और ये रहा इसका सिग्नल, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको DStv का सिग्नल दिखा देता हूँ 95 का, ये 95 का सिग्नल है, ये आप देख सकते हो, ये दूसरे नंबर वाली टीपी है आपको नज़र आ रही है, तो ये आप सिग्नल भी देख सकते हो 96 जब मुझे सिग्नल रिसीव हो रहा है DStv का 95 का। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ DD50 का सिग्नल, ये दो तीसरे नंबर वाली टीपी है आप देख सकते हो, और ये DD50 की टीपी, ये आप देख सकते हो तीन नंबर वाली टीपी है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी सिग्नल मुझे रिसीव हो रहा है। और मैं दोस्तों आपको वतन 2 की सिग्नल भी आपको दिखा देता हूँ, मतलब 98 डिग्री का सिग्नल भी आपको दिखा देता हूँ, वो भी दोस्तों मेरे पास इसका सिग्नल रिसीव हो रहा है,
ये आप देख सकते हो 95-96 मुझे सिग्नल रिसीव हो रहा है, सॉरी दोस्तों 86-85 सिग्नल मुझे रिसीव हो रहा है। और आप तीनों टीपी मैंने आपको चेक करा दिए और तीनों टीपी पर मेरे पास इसका सिग्नल रिसीव हो रहा है, आप टीपी भी नोट कर सकते हो। इसकी टीपी आपको नज़र नहीं आ रही तो वीडियो के नीचे आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये दोस्तों मेरे पास तीन शटल 98 डिग्री का सिग्नल भी मेरे पास रिसीव हो रहा है, 93-95 और 98 डिग्री, मतलब तीन सैटेलाइट का सिग्नल मेरे पास इसका रिसीव हो रहा है। और तीनों टीपी पर मैंने आपको सिग्नल भी आपको चेक कर दिया और मैं आपको चैनल भी आपको चला के दिखा देता हूँ। और ये आप देख सकते हो वतन नेशले, ये बिल्कुल ओके चल रही है। आप देख सकते हो एक ही टीपी पर आपको 6 चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ न्यूज़ चैनल इसमें ऐड हुई है, आप देख सकते हो जो बी सिटी, ये आप देख सकते हो इसमें न्यूज़ चैनल इसमें ऐड हुई, वो भी दोस्तों आपको बिल्कुल फिट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वेतन टू बिल्कुल दोस्तों ओके चल रहा है, आप देख सकते हो वतन एचडी, ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल फिट आपको देखने को मिल जाएगा 98 डिग्री पर। और ये डिस्क की पोजिशन है आप देख सकते हो। और इसी डिस्क पर मैंने दोस्तों पिछले वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था कि डीडी फिट डिस्क और डिस्क टीवी और स्थानीय सेट 98 डिग्री, ये तीन सेटर दोस्तों मेरे पास भी रिसीव हो रहा है। और यहीं थी आज की डिश सेटिंग और यहीं थी आज की अपडेट। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ।